मैं गुलाम मार्केट में बताया था आपका मेजबान रफीक अंसारी हाजिर है और आज हमारा बड़ा खास प्रोग्राम है कराची में बेशुमार मसाइल हैं और यकीन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 12 सालों में कराची के लिए बड़े काम किए और ये कहा एक पार्टी ये कहती है कि पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किए, मगर नौजवान बिलावल भुट्टो इस वक्त जरदारी जो है वो बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और अपने नौजवानों के लिए भी उनके मुस्तकबिल के लिए उनकी सोच बहुत अच्छी है क्योंकि वो खुद भी नौजवान है और नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए आला कारकर्दगी कर रहे हैं। और बल्कि एक और ये भी बता चलूँगी कि PDM के जलसे भी चल लेंगे क्योंकि वफाकी और सिंध हुकूमत ने बड़े काम किए, मगर वो बात भी याद रखी गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी है और उनको हटाने के लिए मुख्तलिफ पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है और वज़ीर आज़म साबिक बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रही और उन्हें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बड़े अच्छे काम किए। आप मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग कराची डिवीज़न के सदर राशिद खास केली साहब मौजूद हैं और उनसे होगी बड़ी ज़बरदस्त बातें क्योंकि ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राशिद साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी पूरे शहर पूरे मुल्क में एक छाए हुए और एक नौजवान लीडर सामने आया है, तो क्या समझते हैं कि वो नौजवानों के लिए क्या किरदार अदा करेंगे आने वाला वक्त, क्या पीपल्स पार्टी का होगा? इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे समझें, हमारे अभी जो चल रहे हैं मामला चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जब भी हमारे जलसे हो रहे हैं PDM के जलसे हो रहे हैं, यहाँ एक जगह जलसा हो रहा है तो दूसरी जगह ऐवान लरज रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि एक एक जलसा उनको खुटक रहा है, हालांकि एक जगह लोग जमा हो रहे हैं, आवाम जमा हो रही है, स्पीचें हो रही हैं, इससे उनको इतना असर पड़ रहा है, ये एक ढांचे पे खड़ी हुई हुकूमत है, इसमें इतना वज़न नहीं है, इतनी ना ही इनकी कोई बुनियाद मजबूत है, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे इसी साल देखेंगे ये अपने घरों को लौटेंगे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगले वज़ीर आज़म बनेंगे। राशिद ये बताइएगा कि तकरीबन 2020 के अंदर PDM के जलसे शुरू हुए और कहा जाता था कि हम जो है ये हुकूमत को गिरा के रहेंगे, चलिए ये बात तो अभी सिलसिला चल ही रहा है, 2020 के अंदर ये बताइए कितना कारोबार मुतासिर हुआ है क्योंकि वफाकी हुकूमत बार बार ये कहती है कि हमने शहर खारिज में नौजवानों को रिलीफ फराहम किया है मगर वो रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या कहेंगे? देखें 2020 की बात नहीं है, 2018 से उठाएं जब से ये हुकूमत आई है बिल्कुल ही मईशत तबाह हो गई है, कारोबार है नहीं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसके साथ आप देखें जो कारोबारी बने बहुत ही परेशान है इस वक्त कि यानी कि क्या किया जाए, क्या कैसे अपने हालात को कवर किया जाए, तो बेरोज़गारी बढ़ रही है। खान साहब जब आए थे हुकूमत आने से पहले बड़े दावे किए थे कि 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे, बड़े बड़े दावे किए थे जो सारे फेल हो गए, इंशाल्लाह अभी कोई और आसरा नहीं है, खान साहब ऐसे समझे कि खान साहब की ये जो दावे चल रहे हैं ये दावे ही रहेंगे और इससे महंगाई बढ़ी भी है, आप सब्जी में चले जाएं, खाने पीने की अशिया में चले जाएं, जितनी भी अशिया पेट्रोल देख लें, जितनी भी अशिया देख लें इतनी महंगी हो गई हैं, गरीब का तो जीना महाल हो गया। अच्छा राजीव, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है और यकीनी तौर पर आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर थे उन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए, शहर में महंगाई नहीं थी, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद जो हुई हैं उनके भी बड़ी खिदमत है और उनके जो दादा थे जो उनकी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के वालिद मोहतरम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने आलमी नाथ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में करा के और दुनिया में एक बिलाली परचम लहराया था, तो उसी तरीके से बिलावल भुट्टो भी कोई अपने नाना के कुछ कारनामे अंजाम देंगे जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़े पाए की जमात हो दोबारा हो? देखिए ना शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कहीं झुके थे ना ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहीं झुकेंगे, मुझे तो वो वक्त इनकी एक तारीख रकम है, तारीख के अल्फाज हैं, तारीख में लिखते हैं कि जॉन ऑफ कैंडी ने जब इनको बुलाया था हाउस वाइट हाउस पे तो वहाँ पर इनसे कहा गया कि अगर आप अमेरिका के रिहायशी होते तो आप यहाँ के मुशीर होते, तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि अगर मैं यहाँ का रिहायशी होता तो यहाँ का सदर होता, मुशीर नहीं होता, तो जॉन ऑफ कैंडी ने कहा आप अमेरिका के हेडक्वार्टर यानी कि वाइट हाउस में बैठे हुए हैं, तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि वाइट हाउस मेरे कदमों के नीचे है, वो एक अलग ही शख्सियत थी, उस जैसा शख्स इस पाकिस्तान में कोई नहीं हो सकता, उस 60 और 70 की दिहाई में जो लीडरशिप पैदा हुई है
आप यासर अरफात को उठा लें, सदाम हुसैन, कर्नल कजाफी हो गए, शाह फैसल हो गए, बहुत सारे, नेल्सन मंडेला उसी में, मगर उन लीडरों के लीडर जो थे वो जुल्फकार अली भुट्टो। अच्छा, जुल्फकार अली भुट्टो की एक साहबजादी बेन अतीन भुट्टो, जिसे कहा जाता है एक बड़ी लीडर, और जिसे लीडर पाकिस्तान में अभी तक ना आया और लोग कहते हैं कि ना आएगा, तो आप क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हीं का बेटा है और एक उनके नक्शे कदम पे चल रहा है और जबरदस्त वो नौजवान है और फाइट कर रहे हैं, तो आप उनको किस नजर से देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो आइंदा के वजीर आजम होंगे? देखिए, बिलावल भुट्टो कोई ऐसा तो नहीं है कोई घर से निकला और चेयरमैन बन गया पार्टी का, वो तीसरी चौथी नस्ल से सियासत कर रहे हैं और उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लें, आसिफ अली जरदारी, उनके बाद आता है बिलावल भुट्टो जरदारी। तो इंशाल्लाह ये वो काम करेंगे जो भुट्टो साहब अपना काम कुछ छोड़ गए थे, इंशाल्लाह ये वो पूरा। अच्छा राजीव, हम बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी में कुछ लोग तनकीद भी करते हैं और यकीन तौर पर तनकीद का जवाब भी दिया जाता है, तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में तरक्याती कामों के हवाले से कोई काम नहीं किए, तो आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा है या उनके जवाब गलत है? 2008 से हमारी हुकूमत है सिंध में, 2008 से पहले के आप हालात उठा के देखें सिंध में क्या था क्या नहीं था। अब जाएं आपको NICVT हॉस्पिटल्स, ठीक है, जहां कच्चे में देहातों में गैस नहीं थी, लाइट नहीं थी, पानी की कोई सहूलत मैसर नहीं थी, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे, अभी ऐसे समझे रोडों का जाल बिछा हुआ है, घर घर लाइट गैस पहुंची हुई है, यानी कि हर बुनियादी सहूलत जो होती है वो आवाम को पहुँची, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ अभी कायम हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन काम किया है सिंध गवर्नमेंट ने। अगर आप उठा के एक एक चीज़ को देखेंगे तो पाकिस्तान में अगर काम हुआ है तो वो सिंध गवर्नमेंट ने ही किया है। मगर राशिद, यूमन में अभी बारिश हुई है और बारिश के दौरान भी ये कहा जा रहा है कि कोई कराची में तरक्याती काम नहीं हुए बल्कि रोड टूट फूट का शिकार है, तो ये क्या वजह है, क्या अपोजिशन ये क्यों कहती है? तो नासिर शाह साहब के पास तो अभी आया है, इससे पहले यानी कि आज से हम पहली हुकूमत की बात करते हैं वो था MQM के पास, और MQM ने इसमें जितना भी जो भी काम किया यानी कि उससे कोई बेहतर नहीं किया। अगर पानी के नाले वो पहले साफ कर देते तो आज पानी नहीं रुकता, वो अगर पहले ही वो अपना सिस्टम सेवरेज का सही कर देते तो पानी नहीं रुकता, बरसात का पानी जो भी है निकल जाता। उन लोगों ने पहले ही वो काम किया नहीं, फंड पता नहीं कहाँ चले गए, उनका पता चलता नहीं है, और हुकूमत की एहतसाब के नाम पर जो इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो सारी अपोजिशन पर चल रही हैं। पहले नियाजी साहब कहते थे कि हम इनके साथ बैठेंगे नहीं, बड़े सादिक और अमीन बन के फिरते थे, और अभी आप उनको देखें तो वो उन्हीं की जमात से मिला के हुकूमत बनाई हुई है। अच्छा राशिद, आप क्या समझते हैं कि आप एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ा नाम और शेर कायद में बड़ा काम भी कर रही है, उनके MP भी हैं, MLA भी हैं और सिंध में भी जैसे आपने कहा कि काम कर रही है, मगर जो कोरोना वायरस 2018 या 2020 के अंदर 18 मार्च को आया, उसके बाद तमाम छोटे बड़े तजारती मराकज़ में नुकसान करोड़ों रुपये का हुआ, तो वो इल्ज़ाम भी पीपल्स पार्टी पर आता है कि इन्होंने तो अपने MD लगा दिए, इन्होंने अपने DA मतलब कहा जाता है कि तमाम अपने अहदेदारन अपने लगाए, तमाम DCO डिप्टी कमिश्नर्स कहते हैं सारे उन्होंने अपने लोग लगाए, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा, तो क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, जब वायरस आया था सबसे पहले सिंध हुकूमत ने एक्शन लिया था सबसे पहले, उसके बाद लॉकडाउन लग गए थे, लॉकडाउन के बाद गरीब आवाम ये वो बेरोज़गारी, तमाम वाइट पोस्ट लोग थे उनके मामला, तो उनको सबको जो है ना सिंध हुकूमत यूसीज की हद तक चली गई थी, वार्ड की हद तक चली गई थी, घर घर तक चली गई थी, तमाम लोगों के मसाइल उस दौरान भी उनको सिक्योर करना, सेव करना, उन तक वसाइल पहुँचाना, यहाँ तक कि जो भी यानी कि पैकेज बना था हुकूमत का, उन राशन का जो पैकेज बना था वो सारी चीज़ें उन तक पहुँचाना ये सिंध हुकूमत ने किया है। बाकी आपने देखा वो टाइगर फोर्स, फला फोर्स, वो जो भी हुई नाम की हुई, सिर्फ फंड ज़ाया हुआ है उनमें और कुछ भी नहीं हुआ है, अगर काम हुआ है तो वो सिंध हुकूमत ने किया है, आपने खुद देखा होगा, आप आवाम में जाएँ उनसे पता चल जाएगा। अच्छा, एक राशन महंगाई का बोझ है और लोग परेशान हो रहे हैं, तालीमी इदारे भी बंद पड़े हुए हैं कोरोना के हवाले से, तो आप क्या कहेंगे एजुकेशन के हवाले से जो कोरोना है तो उसमें हुकूमत की तरफ या तीन हुकूमत या वफाकी हुकूमत को कोई पैकेज देना चाहिए तुलबा को? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है मासूम बच्चे होते हैं ना, जब ये स्कूलों में जाते हैं अगर उन्हें वायरस लगता है तो पूरे घर को, ख़ानदान को लग जाता है। सिंध हुकूमत ने जहाँ तक इतने काम किए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ तामीर कराई हैं, तो जाहिर बात है वो तो सबसे ज़्यादा तरजीह ही तालीम को, बुनियादी सहूलियत पे देती है, अगर उनको बंद रखा गया है तो एक मजबूरी है,
और आहिस्ते आहिस्ते एस ओ पी के तहत काफ़ी चीज़ें यानी कि क्लियर होती जा रही हैं, खोलते जा रहे हैं। अगर कोई उस पर अमल कर रहा है, एहतियात कर रहा है, तो वो स्कूल ओपन होते जा रहे हैं। तो अभी सिंध हुकूमत बाकायदा हर तरीके से काम कर रही है, और इनके साथ कोऑर्डिनेशन में एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे सैयद गनी साहब हैं, तो आप उनको देखेंगे बाकायदा, यानी कि हर तरह से हमारा काम चल रहा है। अच्छा राशिद, ये बताइएगा कि चले आप तो कह रहे हैं कि एजुकेशन के कोरोना भी होगा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप कराची डिवीजन यूथ विंग के सदर हैं, तो अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए इलाका वाइज में कुछ आपने मुहिम चलाई भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आइंदा इंतखाबात में आपकी सीटों में मजीद कराची में कोई इजाफा हो, तो उसके लिए कोई आपने प्लानिंग की है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तंजीम साजी कम्प्लीट कर ली है अपनी, हमारी पीएस अनाउंस हो चुके हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हो चुके हैं, हमारे डिवीज़न अनाउंस है, और अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतरीन तरीके से हम जा रहे हैं। हमारे पास नौजवान पढ़े लिखे लड़के जो बिलावल भुट्टो को चाहते हैं वो लोग आ रहे हैं हमारे पास, और ऐसे समझे वो लड़के जिनका जो यानी कि यूनिवर्सिटियों में जो वो कैडर जो यानी कि घरों में बैठे हुए थे मायूस से कि यानी कि हम नहीं समझते कि कोई हुक्मरान आके मुल्क को संभालेगा, उन लोगों ने जब बिलावल भुट्टो को देखा तो अपने घरों से निकल आए कि हम आपका साथ देंगे, हम पाकिस्तान का फ्यूचर बनेंगे। मगर बिलावल भुट्टो तो खुद एक लीडर हैं, नौजवान हैं, बहादुर हैं, तो कारकुनान को तो उनके साथ आना चाहिए, और पीपल्स पार्टी के हमारे बहुत से बुजुर्ग हैं, ताजेदर साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, इसे कैनेडी खान साहब हैं और दीगर लोग हैं, तो बिलावल भुट्टो के साथ साथ हैं। मगर बिलावल भुट्टो में एक चीज़ ये देखी कि उनमें अपनी माँ की कुछ खूबियाँ नजर आ रही है कि वो जब जोश में तकरीर करते हैं, तो आपने भी कोई ऐसे नौजवान लीडर तैयार किए अपनी यूथ विंग के अंदर? बिल्कुल, हमारी ऐसे समझे कंप्लीट यूथ हमारी तैयार है, चेयरमैन के साथ ऐसे समझे कदम बा कदम चलने के लिए तैयार है, हर कदम उनके इशारे पे होती है, उनके हर अहकाम को हम लबैक कहने वाले हैं। वो चेयरमैन है हमारे, वो भुट्टो का बेटा है, वो भुट्टो शहीद का बेटा है, तो इंशाल्लाह हम उसके साथ कदम बा कदम हर जगह खड़े हैं, बिल्कुल तैयार होकर खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ताला ऐसे समझे नेक्स्ट वज़ीर आज़म हमारे बिलावल भुट्टो साहब होंगे, और कराची की कंप्लीट यूथ उनके साथ खड़ी है, हर कौम का बंदा, चाहे वो उर्दू स्पीक हो, पख्तून हो, पंजाबी हो, कश्मीरी हो, बलोच हो, सिंधी हो, सारे सब हम मिलकर गुलदस्ता बनाए हुए हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो हम कहते हैं बार बार कि एक यहाँ पीटीआई जो वफाकी और सिंध हुकूमत में उनका एक राज है, क्योंकि वफाक में उनको हुकूमत उनके पास है, तो आप क्या समझते हैं कि जो बीटीएम के जलसे मुख्तलिफ जगह पे हो रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा और ये हुकूमत जाती हुई कुछ नज़र आ रही है, क्योंकि ढाई साल का हो गया है? देखें पीटीएम बनना ये कोई पीपल्स पार्टी का ज़ाती मफाद है नहीं, ये है आवाम का मफाद इस मुल्क के हक में। तो अगर हमारे जलसे से, पीटीएम के जलसे से, उसकी रैली से उनके ऐवान, मैंने आपको कहा कि वो लरज रहे हैं, तो उनको क्यों खुटका हो रहा है? जब किसी को आप चोर बोलते हैं तो वो आप पे उल्टा गुस्सा करे तो यानी कि वो चोर है। हमारे एक जलसे पे वो उछल रहे हैं, और एक जलसे पे एहतसाब के नाम पे इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अगर हम हक की बात कर रही हैं तो कह रहे हैं तो हमें जेलों के अंदर डाला जा रहा है। हमारे पता नहीं कितने ही लीडर जिन पे नेप के केसेस डाले हुए हैं, हमारे MNAs, MPAs, मिनिस्टर और तो छोड़ें जरदारी साहब, बिलावल साहब तक कोशिश की गई कि इनको भी नेप में डालें। अभी वो आए हैं, बिलावल चेयरमैन साहब अभी आए हैं, उन पे कोशिश की गई है, उन पे वार किए गए हैं कि इनको भी नेप में डालो। इंतकाम के नाम पर, एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है, ये इंतकामी हुकूमत है। अब क्या समझते हैं कि सिंध के अंदर गैस की एक बहुत बड़ी शॉर्टेज हो रही है, और वो भी जो है सिंध हुकूमत पर डाली जा रही है जिम्मेदारी, जबकि वफाक का ही काम है, ये वफाकी इदारा है, ये तो गैस की सप्लाई पूरे मुल्क में देनी चाहिए, मगर वो सिंध हुकूमत पर क्यों डाली, जबकि गैस सिंध से निकलती है और सिंध को ही तो तेरी माजे से सुलूक किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए सिंध जो है तकरीबन 75% रेवेन्यू वफाक को देता है, उनको चाहिए सबसे पहले सिंध को देखें। अगर हम सुबह वाइज बात करते हैं, वैसे तो हमारी देखें पाकिस्तान लेवल की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, सिंध पीपल्स पार्टी नहीं है, तो मगर सूबाई हवाले से बात करें 75% कराची उनको देता है रेवेन्यू। उसके साथ आप जाएं तो हमारे, हमें बदले में मिलता क्या है, वहाँ से पानी जो बचा कुचा होता है वो यहाँ की हमारी ज़मीनें वीरान हो गई, बयाबान हो गई, तो बचा कुचा पानी हमें मिलता है। अगर वो सही तरीके से हमें पानी छोड़ दें, हमारी ज़मीनें आबाद हो जाएंगी, और यहाँ से सिंध से अगर कोई गैस निकलता है तो उसका भी ये तकरीबन वो ही ले जाते हैं, बचा कुचा हमें ही मिलता है। अगर वफाक सोतेली माँ वाला सलूक ना करे तो मेरे ख्याल में सिंध उनको बेहतरीन तवायफ दे रहा है, उनको सिर्फ संभालें, और उनको तो मेरे ख्याल में ये करना ही है,
उनको सीधा चलना है नहीं। तो राशिद आप क्या समझते हैं कि ढाई साल का अरसा हो गया और तहरीक इंसाफ यहाँ पर मौजूद है और इनके साथ दीगर जमातें भी हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है और एक मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद है और मौलाना साहब के साथ में कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत चली जाए, मगर सबसे ज्यादा जो भारी वो पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर वो बीडीएम से अलग होती है तो यकीन तौर पर वो हुकूमत तो कायम रहेगी। देखें, चेयरमैन साहब की उम्र जो है 32-33 साल है, मगर उनका दिमाग 70 साल है। वो तीसरी चौथी नस्ल की सियासत कर रहे हैं, वो कोई नई नहीं है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकम्मल क़यादत कर रहे हैं, वो हर अपना प्लान जो है, जाहिर बात है, देखें अगर हमारे एक जलसे से वो लरस जाते हैं तो वो इन्हीं का प्लान है। अगर वो कहते हैं हम लॉन्ग मार्च करते हैं तो हुकूमत कांप जाती है उनकी कि आप लॉन्ग मार्च वो पहले ही, यानी कि बिल्कुल एक उनके पिलर तो है नहीं, उनकी बुनियाद तो है नहीं। हमारे यहाँ से चेयरमैन साहब की एक स्पीच पे वो खान साहब तो उसको 7 दिन चलाते रहते हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे चेयरमैन के खड़े होने से बहुत बड़ा फायदा है पीटीएम का। जी, कहा जाता है कि कराची में रोड के टूट फूट के शिकार है, तो क्या बल्दियाती इंतखाबात अगर हुए तो क्या पीपल्स पार्टी के दिन में मेयर होंगे और शेर कायद को क्या रोशनियों का शेर एक बार फिर बनाएंगे आप? इंशाल्लाह बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त भी, आप यूनिवर्सिटी रोड देख रहे होंगे जो डबल रोड अभी बना है, ठीक है, आप इसको देखें। अभी चेयरमैन साहब ने जो इफ्तिताह किया है मलिर एक्सप्रेस वे का, वो उनके साथ एक चौरंगी का इफ्तिताह किया है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट का यहाँ पर इफ्तिताह कर चुके हैं। बाकी हमारी जो आबादियाँ यहाँ, कुछ देहाती आबादियाँ जिसको हम कहें कि कच्ची आबादियाँ, तो वहाँ पर जो सहूलियात मौजूद ना थी, जो रेगुलराइज भी हो गई थी, सहूलियात मौजूद ना थी, तो उनको वहाँ पर सेवरेज गैस और क्या कहते हैं अपने रोड के तमाम मामला उनके हल कर दिए गए हैं, लाइट वगैरह के जो भी मामला हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा शहर कराची शहर में काम कर रही है और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस बार नहर कराची हमारा अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। और हमारी यूसियाँ तकरीबन ऐसे समझें, अगर ये सिलेक्टेड हुकूमत ना बनती तो बाकायदा पूरी कराची क्लीन स्वीप करते हैं हम। मेयर कराची मतलब ये क्या समझते हैं कि आइंदा होने वाले इंतखाबात में मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिर में भी हो, कराची में भी होगा, तो आप कैसे समझते हैं कि क्या आपने कोई ऐसी वर्किंग शुरू कर दी है या बिलावल भुट्टो को ही ये वर्किंग करनी पड़ेगी? क्योंकि चूंकि कारकुनान को तो बिलावल भुट्टो घड़ी घड़ी जाकर नहीं कहेंगे, ये कारकुनान का और यूथ विंग के जो सदर होते हैं चल रही उनका भी काम है, तो आप लोग कोई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मिलकर कोई प्लानिंग देते हैं आपको? इंशाल्लाह एक दफ़ा हमारा मेयर कराची आ जाए, आपको बाकायदा कराची बना के दिखाएंगे। यहाँ कराची आपको फ़र्क एक महसूस होगा कि पिछला कराची और इस कराची में कितना बड़ा फ़र्क है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कराची आपको एक पेरिस का नक्शा बना के दिखाएंगे बाकायदा। यानी कि एक नौजवान है, पूरी नौजवान जो यूथ है कराची वो हमारे साथ है, हमारे साथ खड़ी हुई है, चेयरमैन के साथ खड़ी हुई है, और हम यूथ को चाह रहे हैं कि इस बार हम यूसीओ में उतारें, यूसी चेयरमैनशिप पे उतारें, नौजवान कयादत को अपनी मेयरशिप पे लाएं, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और आपको हम दिखाएंगे कि कराची कैसे होता है। अच्छा राशिद, ये तो आप कह रहे हो कराची के अंदर एक बार फिर आप वोट करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आप कहना है कि मेयर हमारा होगा आइंदा होने वाले इंतखाबात में बल्दियाती और सूबाई और कौमी असम्बली में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, ये तो एक बात की बात है अभी जब इलेक्शन होंगे या बल्दियाती इंतखाबात, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह हैं, तो इंतखाबात से पहले कुछ टूट फूट के जो शिकार रोड हैं उनको बनाएं तो पता चले कि आपकी हुकूमत आने वाले वक्तों में भी यही काम करेगी, तो कुछ ऐसा है नासिर हुसैन शाह साहब से भी आप कुछ शिकायतें करते हैं? मुख्तलिफ इलाकों के लोग टूट फूट के शिकार हैं, मुश्किल है, महंगाई, इस बारे में कोई आपकी हैद है? यूथ विंग के सदर होने की हैसियत से आपकी मुलाकातें होती होंगी, कुछ आप प्रॉब्लम बताते हैं अपने साथियों की? देखें शाह साहब, नासिर शाह साहब बिल्कुल काम कर रहे हैं, आप देखेंगे सुबह 9 बजे से 12-1-2 बजे तक तो अपने वो घर की बैठक में बैठे होते हैं, आवाम उनसे मिल रही होती है, जो आवाम वहाँ पर पहुँचती है, ये तो हमारा पीपल्स पार्टी का शुरू से ही एक रवायत चलती हुई आ रही है कि आवाम के बीच में बैठ के हम काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मिनिस्टर हैं वो भी सैयद गनी साहब को उठा के देखें, वो भी आवाम के बीच में बैठे उनके मसले सुनते हैं, उनके मसले हल करते हैं, जहाँ जहाँ कोई भी कंप्लेंट आती है वहीं पे उन पे नोट लग जाता है कि बराए जल्द से जल्द इनका काम कर दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि यही एक वाहिदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इनके लीडरान हैं, इनके मिनिस्टर हैं जो
अवाम के बीच में रहते हैं, अवाम का काम करते हैं, ना कि ड्राइंग रूम में रहते हैं, ना ही ड्राइंग रूम की सियासत करते हैं। मगर राशिद ये तो बात कह रहे हैं कि ना ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करते, जब कोई तूफान आता है या बारिश आती है तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के कुछ वज़रा पे तनकीद की जाती है कि शहर में पानी भरा हुआ है, पानी भरने के हिसाब से फिर वो निशाना उठते हैं तो मुखालिफ पार्टियाँ भी आवाज़ लगाती हैं, तो उस वक्त आप लोगों की कंडीशन क्या होती है? उस वक्त कोई पीपल्स पार्टी हो या दीगर सियासी पार्टियाँ वो रोडों पर नजर नहीं आती, जब गरीब आवाम पिस रही होती है तो उस वक्त आप लोगों का क्या प्लान होता है? लेकिन जब भी ऐसे हालात पैदा हुए हैं, आप हमारे मिनिस्टरों को देखेंगे वो रोडों पे खड़े होते हैं, बलदियाती मिनिस्टर हों, हमारे सईद भाई हों, वो सारे रोडों पे खड़े होते हैं, और हमारे तंजीम के अहदेदार सारे रोडों पे खड़े होते हैं, और तो छोड़ें लोगों की हर तरह की मदद की जाती है, हकूमती सतह पर भी और अपनी वॉलंटियर भी जो होता है मदद करते हैं हम लोग। कोरोना आया था 2020 के अंदर तो लोग परेशान थे, तो क्या पीपल्स पार्टी ने कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया कि जो जो महंगाई के तले हुए दबे हुए थे उस चिल्ला रहे अभी भी, किसी हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही? देखें वफा, महंगाई हमसे सिंध हुकूमत से नहीं जुड़ी हुई, ये वफाक से जुड़ी हुई है, तमाम मामला तो उनसे हैं, अगर वो पाकिस्तान की मईशत को अच्छा करते हैं तो जाहिर बात है यहाँ पर ये कोई भी चीज़ ऐसी महंगी नहीं होगी, अगर वो पेट्रोल को सस्ता कर देते हैं तो कोई भी चीज़ इतनी महंगी नहीं होती है। राशिद वो तो वफाकी इदारा ना, गैस का तो वफाकी इदारे में चलेगा, तीन हुकूमत के पास भी तो कुछ थोड़े से इदारे हैं जिससे महंगाई कम हो सकती है, आवाम को रिलीफ मिल सकती है, आइंदा आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो कुछ तो प्लान बनाए ना। नहीं, सिंध हुकूमत बाकायदा इस पर काम कर रही है, एक चीज़ अपनी जगह, मगर ये सारा जो कंट्रोल आता है वो तो वफा के हाथ में ही आता है ना, ये सिंध हुकूमत के इतने हाथ में नहीं आता, अगर वफाक अपना पेट्रोल सस्ता कर दे तो महंगाई खत्म हो जाती है, एक चीज ये हो जाती है। क्रेडिट तो फिर वो ले जाएगी ना, तो करके तो दिखाएं, आवाम के लिए करना है ना, कोई हमारी पीपल्स पार्टी के लिए तो नहीं करना है। चलते हैं, मैं छोटे से ब्रेक के साथ ब्रेक से वापस आएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी राशिद केली जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग कराची के सदर है, तो इसी हवाले से एक बार फिर हम राशिद के बात करते हैं। राशिद, सिंध हुकूमत के ऊपर तो बड़ी तनकीद हो गई कि सिंध में कोई काम नहीं हुए, कोई काम नहीं हुए, और रोड टूट फूट का शिकार है, मुख्तलिफ इलाकों में पानी नहीं आ रहा, सुबह के टाइम गैस नहीं आती, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, और कोरोना भी है, तो क्या समझते हैं क्या पीपल्स पार्टी का नया इकदाम क्या है, कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में कोई एक नया इंकलाब आने वाला है? सिंध हुकूमत इस पर काम कर रही है, कोरोना के हवाले से मैंने आपको बताया कि SOPs पे काम चल रहा है, और जितना कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल वो जो SOPs पे अमल कर रहे हैं और तालीमी इदारों को खोला जाए, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबिल है। दूसरा मेरा सवाल है कि वफाक ने 2.5 साल में क्या किया? इन लोगों ने कहा था तकरीबन 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, 50 लाख घर देंगे, बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे, तो ऐसा क्या हुआ? सिंध हुकूमत को अगर ये लोग फंड दें तो आपको सिंध हम पेरिस बना के दिखाते हैं। इन लोगों ने तो फंड भी रोके हुए हैं हमारे, मलिर एक्सप्रेसवे बना वो भी हमने मिला के बनाया, यानी कि प्राइवेट अपना पर्सन से मिला के हमने वो मलिर एक्सप्रेस 4 अरब जिसमें से फंड किया है सिंध गवर्नमेंट का, यानी कि खुद से एक चीज़ करें। इन पर तो कोई इन्वेस्टमेंट कर, वफाक पर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये इतने अच्छे होते तो आवाम के बीच तो होते, लोग इनके हल्के के लोग इनसे मिलने के लिए तरस रहे हैं, ये ऐवानों से निकल नहीं रहे हैं, ड्राइंग रूम से निकल नहीं रहे हैं। अगर आएँ, ये आवाम के बीच आएँ, आवाम के मसले सुने, आवाम को देखें। इन लोगों ने जो दावे किए थे कि हम आपके लिए 1 करोड़ नौकरियाँ लाएँ, 1 करोड़ को छोड़ो यार, आप कम से कम इतनी तो लाओ जो बेरोजगार आपके अपने वर्कर हैं उनको तो कहीं सेट कर ले, वो भी नहीं है। राशिद वो तो कहते हैं कि हमने नौकरियां बांटी हैं, किसको दी हैं, बेची हैं? अगर किसी को दी होती वो सामने तो नजर आती, बेरोजगारी तो खत्म होती, कोई चीज तो सामने आती, कोई ऐसी चीज नहीं है, ये सिर्फ इनके टले के टले दावे हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी तजारत के हवाले से, कारोबारी मराकज में करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, और अरबों रुपये जब कोरोना था तो अरबों रुपये का नुकसान हुआ, तो हुकूमत तो कहती है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, मुल्क ऐसी कहती चल रहा है, तो लोग तो यहाँ परेशान है, तो आप क्या समझते हैं कि नुकसान हुआ या नहीं हुआ? देखिए पहले ही साल जो हुकूमत का था, जो पहला साल था, एक रिपोर्ट आई थी कि इस साल पाकिस्तान की सबसे तारीख में सबसे बड़ी करप्शन हुई है, ठीक है, करप्शन हो गई। इन लोगों ने आगे ही चल के एक ऐलान कर दिया कि आप जमीन लें, आपसे पूछा नहीं जाएगा,
आप कोई भी प्रॉपर्टी लें, आपसे पूछा नहीं जाएगा आपका पैसा कहाँ से आया, किसकी इन्वेस्टमेंट है। तो जो इन लोगों ने करप्शन की, वही अपने ही लोगों के लिए वो एक स्कीम बना दी और वही पैसे इन लोगों ने लीगल करने के लिए, वाइट मनी करने के लिए यहाँ पर लगा दिए। इनसे कोई पूछ भी नहीं रहा है। ये सारी जो भी इनकी हैं वो सिर्फ यानी कि एक गठजोड़ बनाई हुई है, अपनी नानी बेड़ा जिसको कहते हैं वो बनाई हुई है, उसी के तहत ये काम कर रहे हैं। और ये जो कहते हैं सादिक अमीन है हम, आप इनको उठा के देखें, सारे ये वही लोटा पार्टी है सारे, यानी कि जिनको भी उठा के देखें, या तो किसी से निकला हुआ है, निकला हुआ भी होता ना तब भी ठीक है, मगर निकाला हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी को निकाला तो उसको तेरे के इंसाफ ने हाथ रख दिया, आ जाओ इधर आ जाओ। और चले इलेक्शन में जीते हुए होते, इलेक्टेड होते तब भी मानते, मगर वो भी सिलेक्टेड। अच्छा राशिद तो बार बार चल रहा है, तमाम लोग चिल्ला रहे हैं सिलेक्टेड है सिलेक्टेड है, वो तो मान लिया कि ढाई साल का अरसा हो गया वो सिलेक्टेड है, मगर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब आवाम के लिए कोई स्कीम लेकर आ रही है या सिर्फ ढाई साल के अरसे में बातें बातें चलेंगी? देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आप ढाई साल में उठा के देखें, सिंध में इसने जो काम किए हैं, एक तो NICVT जो हॉस्पिटल है ये बहुत बड़ा काम है, आप इसको समझें तो सही। हमारे सिंध के मरीज या तो कराची आते थे, जहाँ किसी बाहर जाएं कहीं जाएं, तो सखर में अभी बना हुआ है, गंबट में बना हुआ है, हैदराबाद में, हर जगह हमने यानी कि NICVT के हवाले से बहुत सारे हॉस्पिटल हमारे बन गए, बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे, बहुत बड़ी सहूलत है ये एक। ये दूसरा, सिंध हुकूमत जो काम किए ने जो काम किए हैं, सिंध 2008 से पहले उठा के देखें, कहीं कच्चे रास्ते थे, बाकायदा भी इंटीरियर में या कराची में भी देखें, काफ़ी हद तक आपको ये काम मिलेंगे कि वहाँ पर पक्के जाल बिछाए गए, रोडों के जाल बिछाए गए हैं। और आवाम के पास जहाँ पर यह सहूलत ना थी मैसर के, लाइट नहीं, थोड़ा गैस के प्रॉब्लम थे, वो सारे 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 के सारे मसले हल कर दिए गए हैं। और नौजवानों को यानी कि अभी हमारे यहाँ जनवरी में जो है उम्मीद है कि यानी कि इंशाल्लाह ताला नौकरियाँ खुलने के जैसे जॉब अनाउंस होंगी और काफ़ी हद तक हो भी गई हैं, तो नौजवानों को जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए बहुत सारे रोज़गार के मौके हैं। और इसके साथ आज ही सही हमारे जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं सैयद गनी साहब हैं, तो उनने आज ही मजदूर कार्ड का ऐलान किया है। ये तो एक कार्ड का, तो मजदूर कार्ड का, अच्छा, जिससे यानी कि उनको एक तालीमी सेहत इस उस कार्ड के हवाले से उनको ये फायदे होंगे, उनका मेडिकल फ्री, उनकी तालीम फ्री, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। ये करके तो दिखाएं, इन लोगों ने तो वही किया, बेनजीर कार्ड को दूसरा नाम देके वही चला रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी के ऊपर एक और भी इल्जाम है कि शहर कायद में जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और उस ऑपरेशन के दौरान कई गरीबों के मकान भी टूट गए, उनके पास रहने की जगह नहीं है, तो ये तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना सिंह भाई वगैरह बन गया उनका, तो उन गरीबों के लिए उन्होंने क्या प्लान बनाया, कोई जगह दे रहे हैं या सिर्फ चीफ जस्टिस के अहकाम को फॉलो कर रहे हैं? जैसे देखें कोर्ट मोहतरम में उनके अहकाम को फॉलो भी करना है, मगर जो भी जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे तजावजात है, वो लाइन्स एरिया है या वो रेलवे लाइन है, वहाँ पर जितनी भी आबादी है ये आप उठा के देखें, ये वही आबादी है जो MQM ने आबाद कराई थी। अब दिफा पीपल्स पार्टी कर रही है उसका, हर तरह से सुप्रीम कोर्ट में जवाबदेही पीपल्स पार्टी रही और यहाँ फ्रंट लाइन पे भी पीपल्स पार्टी रही, अवाम को भी जवाब दे रही है कि ठीक है आपको भी संभालेंगे, वहाँ सुप्रीम कोर्ट को भी फॉलो कर रही है कि ठीक है हम आपके अहकाम पर अमल कर रहे हैं। तो ये तमाम मामलात यानी कि सिंध गवर्नमेंट ही इंशाल्लाह ताला इन्हीं का हल निकालेगी, इन्हीं को एडजस्ट करेगी ताकि अहकाम भी हो जाएं और उसके साथ जो वहाँ पर लोग हैं आबाद हैं वो भी बेघर ना हो, उनको भी घर मिल जाए। राशिद, हमारे प्रोग्राम के दौरान हम बार बार बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद की बात करते हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हमने बात की और नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो की भी हमने बात की। अब हम बात करते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की, जो अब्दुल्ला शाह के बेटे थे और उन्होंने भी बड़ा काम किया था अपने दौर में, आज दुनिया में तो नहीं है मगर उनके बेटे दूसरी दफ़ा वज़ीर आला सिंध बने और वो भी मुख्तलिफ मकामात पे जा रहे हैं, लोगों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं, तो आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई हो तो आपने अपने यूथ विंग की जो कराची डिवीज़न के आप सदर हैं, तो अपने नौजवानों के लिए आपने उनसे बात की नौकरी वोकरी के लिए या सिर्फ आप एक सदारत से बैठ के अपने नौजवानों को कोई बात नहीं करते, तो कैसी बात हुई है मुराद अली शाह साहब की? जी बिल्कुल, जैसे ही ईद मिलन पार्टी पर उन्होंने इन्वाइट किया था, जितनी भी हमारे एग्जीक्यूटिव थी वहाँ सारी गई हुई थी, तो साईं से CM साहब से जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की
क्या आप हमें टाइम दें, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार हैं वो सब आपसे मिलना चाहते हैं, उनके लिए एजाज की बात हुई, अच्छी बात हुई। तो उनने टाइम दिया, हम गए मिले, हम 20-22 बंदे जाके उनसे मिले हैं और हमारे मसले सुने हैं, मसले सुन के उन पे फौरी नोटिस, फौरी एक्शन हुआ है। क्यों, किसी का क्या मसला था, सारे मसलों को हल कर दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल, यानी कि अवामी बंदे हैं, अवाम का काम करते हैं, शहीद के बेटे हैं वो भी, बाकायदा अवामी बंदे, हर तरह का सुनते भी हैं, काम भी करते हैं। अच्छा राशिद, तो वज़ीर आला ने आपकी बड़ी अच्छी बात की, आप लोग के मसले भी हल किए, तो वज़ीर आला अतीन मुराद अली शाह से आपकी मुख्तलिफ मौका पे बात भी होती है, तो बहुत से इलाके हैं जहाँ ये शिकायत है कि पानी नहीं आ रहा और यकीन तौर पर पानी हर शक की जरूरत है, तो वाटर बोर्ड भी तो आप लोग के अंडर में, क्या मतलब वज़ीर आला साहब कोई एक्शन ले रहे हैं वज़ीर बल्दियात को कह के? देखिए ये शिकायतें सुनने में आती हैं, ये अपोजिशन का काम है शिकायतें करना, हालांकि ये तो यहाँ तक भी शिकायतें करती हैं, जैसे इस साल भी की थी कि थर में बच्चे इंतकाल कर रहे हैं, वहाँ पानी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, मगर आप थर में जाके तो देखें, थर की आबादी को देखें, थर के लोगों से तो मिलें, थर के लोग कहते हैं भाई हमें कोई परेशानी नहीं है, मैं खुद गया था वहाँ पर थर पर, पिछले साल ही गए थे हम, तो उनका कहना यहाँ ऐसी बात ही नहीं, जितना हमें बदनाम किया जा रहा है, जितना हमें आपके अपोजिशन जितना हमें बदनाम कर रही है, ऐसी कोई हमारे यहाँ बात ही नहीं है, ये सिर्फ अपोजिशन के वावेले हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा राशिद, कोरोना वायरस तो आया ही आया और अभी भी चल ही रहा है, 2021 आ गया है, तो क्या समझते हैं कि 2021 में बिलावल भुट्टो सरदारी आपके जहन में है कि ये जो एक जलसा चल रहा है, जुलूस निकाल रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, तो हुकूमत जाने का कोई खतरा नजर आ रहा है? बाकायदा हुकूमत जा रही है, जाने का खर्चा नहीं, बिल्कुल ही जा रही है, आप देखेंगे 21 में हुकूमत है ही नहीं, इंशाल्लाह आप देखेंगे वज़ीर आज़म, नेक्स्ट वज़ीर आज़म हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बनने वाले हैं इंशाल्लाह। तो आप कंफर्म तरीके से कह रहे हैं कि हुकूमत जाने वाली है? तो उनमें दम ही नहीं है, कोई बुनियाद उनका कोई मजबूत ही नहीं है। राशिद, वो तो कहते हैं कि हमने शहर कायद में बड़े काम किए हैं और अगर अपोजिशन वावेला कर रही है तो करने दो, हम तो पूरा टर्म पूरा करेंगे, वो तो दावे कर रही है। उनके MNA MPS यहाँ कराची में मिलते नहीं है, उन्होंने कौन से काम किए यहाँ, वफाक ने कौन से काम किए यहाँ पर? वो तो ग्रीन लाइन बस का बोल रहे हैं, हमने किया नहीं, वो तो पहले से चल रहा था। नहीं पहले तो चल रहा था, तो आप क्रेडिट तो वो ले रहे ना? नहीं नहीं, वो तो पहले से ऐसे, तो वो जितने भी पहले से काम के इफ्तिताह हो चुके हैं वो उन पे खान साहब जाके अपने वो रस्सियां काट रहे हैं, और तो कोई नया काम ऐसा कुछ भी नया काम तो वो कर नहीं रहे हैं। अच्छा राशिद, ये बताइए कि आपकी जो टीम के आफसर हैं कराची डिवीजन में, तो कितने नौजवान आपके साथ हैं और आइंदा आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में आपने अपनी जो विंग में जो डिवीजन में किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं अभी से ही, क्योंकि इंतखाबात तो टाइम हो चुका, 3 महीने का टाइम दिया गया था, 3 महीने करीब हो रहे हैं और बल्दियाती इंतखाबात कब ऐलान होता, मगर उससे पहले आपकी तैयारियाँ क्या क्या है? देखें हमारी तैयारियाँ मुकम्मल है इंशाल्लाह, हम तो पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी हैं, तो हमारे नौजवान, हमारे जो मदर विंग पार्टी, वो सारी हम आवाम के अंदर ही रहते हैं, हमारे वोटिंग दूसरे जो भी काम है हमारे सारे कंप्लीट हैं। इस बार इंशाल्लाह ताला हमारा इरादा है अपने नौजवान UC चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए उतारेंगे, और आप देखेंगे क्योंकि कराची का मुस्तकबिल जो है नौजवानों के हाथ में है, और ये आपको कराची के मेहर पर आकर दिखाएंगे और मेहर कराची लेकर आपको ये कराची बना कर दिखाएंगे। अब राशिद, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा बल्दियाती इंतखाबात हो या कौमी या सूबाई असम्बली को, तो उसमें नौजवान को नज़रअंदाज किया जाता है और उमूमन बुजुर्गों को, जैसे मिसाल के तौर पर आप ताजेदर साहब या सैनिटर हैं पुराने सियासी हैं, उन लोगों को ज़्यादा तरजीह देती है, नौजवानों को आग क्यों नहीं लाती, सिर्फ बातें होती हैं नौजवान के लिए, मगर मैंने तो नहीं देखा कि नौजवान कोई MP हो या MN हो, किसी इलाके गरीब आवाम में से कोई सामने उठ के आया हो, हमेशा पैसे वाला देखा मैं, तो आपकी क्या सोच है ऐसा? देखिए हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब खुद नौजवान है, तो इसके साथ वो बाकायदा नौजवानों को सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट करने का यूथ को सपोर्ट करते हैं और यूथ को ही आगे लाते हैं। अगर आप गिने हमारे मोहम्मद बश खान माहर साहब, वो नौजवान है, ठीक है, इसी तरह आप हैं, बहुत सारे नौजवान हैं जो हमारे मिनिस्टर हैं, और इसी तरह यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह, ये सारी चीज़ें, यानी कि नौजवानों को बिल्कुल आगे किया जा रहा है। नहीं, नौजवान को आगे किया जा रहा है सिर्फ काम लेने के लिए, आप ये बताएं कि कितने ऐसे MP हैं, ये कितने MN हैं, नौजवान है पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, काम करती है, लोगों में काम कर रही है, मगर नौजवानों को जब टिकट का मसला आता है तो उस पर क्यों इग्नोर किया जाता है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि देखें हमारी यहाँ यूथ से जो भी निकले हैं, यूथ से ही
आप जितनों को भी उठाए, यहाँ तक के आज धामरा साहब सेनेटर बने थे, वो यूथ से थे, यूथ से ही गए थे, ठीक है। तो उनके साथ और भी MNAs MPAs हमारे जावेद नायाब साहब सिंध के प्रेसिडेंट हैं, असिस्टेंट टू CM भी हैं, हुकूमती जिम्मेदारियाँ भी हैं। इसी तरह बहुत सारे हमारे नौजवानों को एडजस्ट किया जाता है, उनको जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं और वो उन जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाते भी हैं। जिम्मेदारी तो दी जाती है, मैं तो MP और MNA की बात कर रहा था कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो यही चेहरे नजर आते हैं, नौजवान चेहरा जो आना चाहिए, जैसे आप हैं और जो दिव्य दल में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ मुकाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर काम कर रहे हैं, तो कई पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा, तो कोई वजह तो होगी ना, या सिर्फ नए चेहरों को छोड़ के पुरानी बात माना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, नौजवान हम उनके सपोर्ट में भी खड़े होते हैं, एक चीज़। दूसरा, पहले तो हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी जीते, हमारा मकसद होता है हमारी पार्टी जीते, ना कि हम MNA MPA बने। दूसरा ये भी होता है, जब आप उस लेवल पे आगे पहुंचते हैं ना, हम अप्लाई हमने किया था, यहाँ पर किया था, और एक अलग चीज़ है कि वो यानी कैसे हुकूमत सिलेक्टेड थी, वो एक अलग चीज़ है। हमारे नौजवानों को यहाँ कराची से बहुत से नौजवानों को सीटें दी गई, MPA पे इलेक्शन लड़ाया गया। मगर राष्ट्रीय चले तो मैं कराची की तो बात मान लेता हूँ, सिंध के अंदर भी तो वहाँ पे तो नौजवान है, सिंध आपका एक गढ़ है जहाँ से आपको सूबाई और वफाक की सीटें मिलती हैं, वहाँ तक कितने नौजवान हैं, कभी होता है तो निसार कोड़ साहब आ गए, कहीं उनकी बेटी आ गई, मतलब दीगर लोग हैं, तो नौजवान की बात कर रहा हूँ मैं। देखें, नौजवान तो है ना, महर साहब हैं हमारे, वो मिनिस्टर हैं, वो नौजवान हैं, अवेश शाह साहब हैं, अरसलान शेख हैं, तो बहुत सारे हैं, आप देखेंगे करीब से देखें बहुत सारे आपको मिलेंगे जो नौजवान यहाँ से यूथ से निकले हुए हैं। राशिद, हमने नौजवान की बात कर ली, आप ये बताएं कि कराची के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या नया प्लान आ रहा है कि ताकि सीटें भी मिले, वफाक में भी मिले, सिंध में मिले, और 7 आपने डिस्ट्रिक्ट बना दिए, यानी कि पहले 5 डिवीजन थे, अब 7 डिस्ट्रिक्ट बना के मेयर कराची का, तो कोई ये सिलसिला तो नहीं कि 7 डिस्ट्रिक्ट पे आप बात कर रहा हूँ कि 7 डिवीजन बनने से वजीर आला के चांस आते होंगे? 2 कराची तो नहीं बने, 7 जिले बने, आवाम तो वही है, सीटें देखें इंशाल्लाह। 7 जिले बनने का मतलब आवाम है कि मेयर कराची हमारा हो, पहले 5 थे, 2 मस्जिद बना दिए गए, आवाम की जरूरत थी, ये मेयर कराची की बात नहीं, आवाम की जरूरत थी, आवाम के लिए ये सहूलत पैदा कर दी गई कि उनके लिए DCs बाकी ऑफिसर जितने भी हों वो सारे अलग अलग उनके ऑफिस हों वहाँ पर बैठे, ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा उनके मसले हल हों। बाकी देखें, आवाम तो इनके साथ किसी के साथ है नहीं, आवाम उनके साथ है जो उनका काम करे। 25 से 30 साल हो गए तकरीबन बर्बाद किया है कराची को, कराची में जो हुक्मरान रहे हैं उन लोगों ने, तो इंशाल्लाह ताला अब आवाम का आखिरी सहारा और आसरा जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी है, और आवाम इस तरफ अभी मुतवजा है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे वैसे ही हम मेयर कराची ले रहे हैं सर। और बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ जगहों पर जाके जलते कर रहे हैं, बड़े बड़े जलते हो रहे हैं, अब आपने बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से कराची में उनका चेहरा किस तरीके देख रहे हैं, क्योंकि लियारी की एक सीट जहाँ से बिलावल भुट्टो को शिकस्त हुई थी, अब उस पर क्या ऐसा काम हो रहा है कि ताकि वो सीट उनके नाना की सीट, इनके बाप की सीट यानी आतिफ अली सरदारी साहब की, और उस जगह से बिलावल भुट्टो को हार जाना, तो अब आप लोगों ने वहाँ सीट लेने के लिए क्या प्लानिंग की है? देखिए, प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, वो अवाम पीपल्स पार्टी की है, वो अवाम चाहती बिलावल को है, वो अवाम ऐसे समझे बुनियादी तौर पर जियाले हैं, वो भुट्टो के अलावा किसी को वोट देने वाले नहीं है। अगर ये सिलेक्टेड ना आते तो आप वहां से तो सिर्फ चेयरमैन साहब खड़े थे ना, आप चेयरमैन साहब को छोड़ें किसी को भी खड़ा कर दें वहां से वैसे ही जीत जाते, ये तो एक साजिश के तहत उन्हें हराया गया। अच्छा राशिद, अभी हम बात करते हैं थोड़ी सी कारोबारी की, आते हैं मईशत के हवाले से, हमने शुरू में बात की थी, और इस वक्त मईशत बड़ी तबाह हो चुकी है, गैस का बहरान आ चुका है, फैक्ट्री ओनर इस वक्त मुजाहरे कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि हमें गैस बहाल की जाए, वरना शहर कराची में जो भी फैक्ट्रीज हैं वो सब बंद हो जाएंगी, बड़ा नुकसान होगा। अब आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं तजारत के हवाले से, क्योंकि ये रेवेन्यू देने वाला शहर, तो शहर में कारोबार अगर नहीं होगा तो फिर ये शहर एक बार फिर पहिया जाम हो जाए, तो आप क्या कहते हैं, आप क्या प्लानिंग होनी चाहिए वफाक और सिंध हुकूमत की? देखें, एक वक्त था कराची रोशनियों का शहर कहलाता था, और अब जब से वफाक इन लोगों ने संभाला है, PTI ने वफाक संभाला है, तो अंधेरों का शहर बन गया है। 8-8, 10-10 घंटे लोड शेडिंग वगैरह ये जो भी मामला इनकी तरफ से हो रहे हैं, और तो छोड़ें मशियत तो इनने बिल्कुल ही बर्बाद करके रखी हुई है। जाहिर बात है, जब फैक्ट्रियां बंद होगी तो बेरोजगारी होगी, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा तो उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा,
इनको चाहिए, हम क्या इन्हें राय दें, इनको चाहिए ये करना चाहिए था कि ये तमाम सहूलियात इनको मैसर करें ताकि ये गैस के जो इनके फैक्ट्रियों पे जो गैस है, गैस के जितने भी मामले हैं उनको आसानी पैदा की जाए, उनके लिए आसानी पैदा की जाए ताकि रोजगार फैक्ट्रियां खुले, लोगों को रोजगार मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग कराची डिवीजन के सदर राशिद खान कहली साहब बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे थे, उनका यही कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा के वजीर आजम है और शेर कायद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो मेयर कराची भी हमारा होगा और ये शहर एक बार फिर रोशनी का शहर होगा और जो टूटे फूटे जो सड़कें हैं और जो तजारती में जो रुकावटें पैदा हुई एक बार फिर वो बहाल होंगे क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवान है और नौजवान जब आगे आते हैं तो उनकी फतह होती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ा नाम है जिनकी बड़ी जमात के अलावा पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिब दो दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुकी हैं, उन्हें बड़े बेशुमार किया गया है और उनके शौहर आसिफ अली जरदारी वो साबिक सदर भी रहे तो यकीन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान नहीं बैनुल अक़वामी सतह की एक बड़ी पार्टी है और इसका नाम है और ये मुंतखब होकर अगर आ गई तो यकीन तौर पर शहर कायद की किस्मत बदल जाएगी। माइक्रो बताए थे हमारे माइक्रो बताए थे आपके मेहमान रफीक अंसारी को, इजाज़त दीजिए हम नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।